क्या दोस्तों, स्वागत है का फ्रेंडशिप पॉइंट क्रिकेट में। और अभी दोस्तों कही तो एशियस टी10 कवर करने सुझाव, जहां पर SOS बस यहां पर कही जाए तो ZS के बीच मैच होगी, तो इस वीडियो को आप ध्यान देखना। बात करें कौन से प्लेयर को आपको टीम में लेना है, कौन से प्लेयर को ड्रॉप करना है और कौन रहेगा दोस्तों आज की इस मैच का बेस्ट कैप्टन चॉइस, वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। आइए बात करें डिटेल्स की बात करो दोस्तों, यहाँ दो टीम्स की बात करेंगे। सिंपली रिसेंट फॉर्म की अगर दोस्तों बात की जाए तो यहाँ पर SOS की जो टीम है दोस्तों लगातार पांचों गेम अपने लॉस करके आ रही, सिंगल मैच भी इनका विन नहीं हुआ दोस्तों। और ZS की अगर बात करें तो भाई बिल्कुल इनका अच्छा खासा रीसेंट फॉर्म रहा है दोस्तों। ओवरऑल कही जाए तो 5 में से 3 गेम विन किया, 2 मैच इनके लॉस के। ओवरऑल ये इनका रीसेंट फॉर्म एक बार आप जरूर चेकआउट करना। देखो यहां पर वेन्यू स्टेट की बात करते हैं, वेन्यू स्टेट की बात कर मेलोड के ग्राउंड पे मैच है और इस पिच के बारे में सिंपली बोलूंगा कि इस गेम में हार्डली आपको यह चीज कहने को मिलेगा दोस्तों कि मैं पहली बार ऐसा बोल रहा हूं कि 60% सपोर्ट मिलेगा बैटर्स को और 40% सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। कही जाए तो यहां पर बैटर्स को यह चीज क्लियर रखना, 60% बॉलर्स को और 40% दोस्तों यहां पर बैटर्स को सपोर्ट मिलेगा, बिल्कुल उल्टा रहेगा। रीजन क्या है, बैटिंग अच्छी नहीं हो रही है। अब भाई पिच तो अच्छा है लेकिन बैटर्स ही अच्छे नहीं है, तो भाई पिच को क्या दोष दे सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। प्रॉपर डिटेल है पिच के बारे में, बैलेंस मान के चल सकते हो, जिसमें कही जाए तो लास्ट के 5 टी20 गेम में 50 विकेट गिरे, जिसमें 36 विकेट पेसर्स और 14 विकेट स्पिनर्स से चटकाए। और एवरेजिंग स्कोर की बात करें तो इस वाले गेम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 80 से लेकर 100 तक स्कोर बन सकता है, इससे ज्यादा नहीं बनेगा, ये चीज आप क्लियर रखना। हेड टू हेड की बात करते हैं, हेड टू हेड की बात करें दोस्तों तो यहां पर पूरा जो माजरा रहा है दोस्तों, अगर देखो तो 3 गेम्स हुई है दोस्तों यहां पर दो टीम्स के बीच में, जिसमें कही जाए तो यहां पर ZS की जो टीम है दोस्तों तीनों गेम्स में वन साइडली विन किया दोस्तों। ये पूरा डिटेल से एक बार आप जरूर चेकआउट करना। आइए बात करते हैं टीम की बात करने से पहले दोस्तों आपसे कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करना यार, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और कंजूसी आपसे बहुत कर दो लाइक करने में, कंजूसी मत करना तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि नेक्स्ट मैच की वीडियो आए तो मिस नहीं कर पाओ, ये बात आप ध्यान रखना। अब देखो भाई यहां पर ऑप्शंस की बात करें तो हाशमी दिखेंगे, फिर दोस्तों यहां पर हॉकटन दिखेगा, फिर दोस्तों यहां पर कही जाए तो ये शर्मा है। अब इनमें से इंपॉर्टेंट पिक कौन रहेगा, जिसको स्मॉलिंग में लेके जा सकते हो, किसको ग्राइंडिंग में लेके जा सकते हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हॉकटन को पिक करना, 3 नंबर बैट करेगा। हाशमी की बात करो दोस्तों, इनका भी बैटिंग ऑर्डर काफी अच्छे पोजिशन पर है दोस्तों, तो इनको भी आप चाहो तो टीम में ले सकते हो। जब इनकी टीम बैट फर्स्ट करेगी तब इनको लेने की कोशिश करेंगे, फिलहाल ड्रॉप किया है लेकिन अगर इनकी टीम बैट फर्स्ट करेगी तो मैं जरूर लूंगा। काफी हद तक चांस रहेगा कि 30 से 40 रन स्कोर करके दे दे इस गेम में, क्योंकि सामने टीम की ना ही बॉलिंग अच्छी है ना ही बैटिंग, तो पर ये अच्छा कर सकते हैं अभी के लिए दोस्तों कही जाए तो। फिलहाल आप यहां पर हॉकटन को पिक करके चलो, बाकी कोई खास ऐसा ऑप्शन तो है नहीं जहां जिसको आप ट्राई करके चल सकते हो। इधर बात करते हैं बैटमैन सेक्शन में बात कर दोस्तों, यहां पर कही जाए तो सिंपली आपको जो है मंजूर को पिक करना दोस्तों, ओपन बैट करेगा, काफी स्पेशल प्लेयर है। हालांकि 2 गेम उतना कुछ खास नहीं कर पाए लेकिन इस गेम में आप इसका रंग देखोगे अच्छा करके देगा। फिर दोस्तों कही तो आपको के गुप्ता को पिक करके चलना है। फिर दोस्तों यहां पर कही तो आपको जो है काफी सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे, फिलहाल मैं के गुप्ता को ड्रॉप करके अधिकारी को पिक करूंगा जो ओपन बैट करेगा प्लस 1 से 2 की कंफर्म बॉलिंग करके देगा, तो स्पेशल ऑप्शन है, मात्र 2% सिलेक्शन है, पंपी वाला काम करेगा। फिर दोस्तों यहां पर आप इसको पिक करना, मात्र 25% सिलेक्शन है। अब देखो एज अ बैटर तो कुछ खास नहीं करेगा लेकिन एज अ बॉलर एक काफी स्पेशल रहेगा, कन्फर्म आपको दोस्तों कही जाए तो 2 ओवर की बॉलिंग करके देगा। अब गुप्ता को ना लेने का रीजन है कि मात्र ये हर गेम में 1 ओवर की बॉलिंग करते हैं, बैटिंग ऑर्डर भी काफी नीचे है दोस्तों, तो एज अ बैटर मेरे को थोड़ा सा ये स्पेशल लगा इसलिए हमने इसको टीम में लिया। अगर आपको गुप्ता को तो अधिकारी को ड्रॉप करो, गुप्ता को आप टीम में ले सकते हो, ये आपको पर डिपेंड करता है। हालांकि अदर ऑप्शंस में देखा जाए तो बहुत सारे प्लेयर्स लाइक फैजान भी है जिसका सिलेक्शन ऑलमोस्ट कही जाए तो 91 है, आप बैटिंग करेगा दोस्तों ये कही जाए तो 5-6 नंबर पे प्लस 1-2 ओवर की बॉलिंग भी करके दे सकता है। अब देखो एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, कोई बोलता नहीं लेकिन मैं देखो भाई हमारे जो मेंबर्स हैं मैं सब कुछ क्लियर बोलता हूं आपको। देखो दोस्तों जो लीग हमने कवर की पिछला टी10 का बहुत अच्छा गया, सबने धांसू भी नहीं की, तगड़ा गया, ठीक है। इस लीग के बारे में बता दूं कि ये उस टाइप की लीग नहीं है दोस्तों, यहां पर कही जाए तो वो उतने क्वालिटी गेम्स देखने को नहीं मिले। और मैं आपके मतलब चरण हाथ सब मतलब धर के बोलना चाहूंगा भाई कि इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मतलब लिमिट में करो, एकदम बिल्कुल अगर ना करो तो भी चलेगा, क्योंकि भाई ऐसा मैच नहीं है जहां पे आप अच्छे से इन्वेस्ट कर सको, प्रॉफिट अच्छा कर सको, कि यहां पर कुछ भी होगा ये चीज क्लियर है। मैं आपके चरण पैर दोनों धर के बोल रहा हूं, क्योंकि मैं बोलता हूं फिर मेरे को गालियां दोगे, यही बात है भाई कि टीम अच्छी नहीं दी वो दे दी, भाई जो सही मैच रहेगा मैं आपको दिल से देता हूं, आप देखा होगा कितना हमने प्रॉफिट किया है रिसेंट कुछ गेम्स में, ठीक है। तो वही बात है, जीएल दिल के खेल के खेल मतलब खेलो, जितना जीएल खेलना दमा के खेलो भाई, क्योंकि जीएल के लिए ही मैच है, ठीक है। स्मॉलिंग में भी भाई हार्डली सार्डली 50 रुपए लगाऊंगा, हार्डली सार्डली 100 रुपए लगाऊंगा, जो भी लगाऊंगा 500-600 में जेल में लगाऊंगा, क्योंकि वहां पर मैं पूरा दोस्तों यहां पर एक्सपेरिमेंट करूंगा और अच्छी खासी विनिंग निकालूंगा, ठीक है। मेरी जेल और जेल पर फोकस करूं भाई, क्लियर बोलता हूं मैं, ऐसा कुछ छुपाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अच्छा मैच होगा क्लियर पता आपको भाई आपका प्रॉफिट देगा, खराब मैच होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, क्योंकि प्रेडिक्शन काम वहीं पे आता है जहां पे अच्छा चीज हो, ठीक है। चलिए ये 3 प्लेयर्स हम लेके चलेंगे, जिसमें से 2 हमारे बहुत बड़े पंच प्लेयर्स है, बाकी दोस्तों के गुप्ता हो गए और
यहाँ पर फैजान इन सबको चाहो तो ग्रैंड ईटी में लेके चल सकते हो, हालांकि रिस्की ऑप्शन है ड्रॉप करना, बट ड्रॉप करके चलूंगा। बात करते हैं ओनर सेक्शन में, ओनर सेक्शन बात करें तो जी सिंह को पिक करना मिड ऑर्डर के बैटर है प्लस कन्फर्म दो ओवर करेंगे, महेश्वरी को पिक करना लोअर ऑर्डर के बैटर है प्लस कन्फर्म दो ओवर डालेंगे, चौबे की बात करें तीन ओवर बैट करेंगे प्लस दो ओवर डालेंगे, और बाकी दोस्तों एसिंग की बात करें ओपन बैट करेंगे प्लस आपको दो ओवर की बॉलिंग करके देंगे। अब देखिए चार प्लेयर सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपके टीम में होने चाहिए दोस्तों ओनर सेक्शन से, तो चारों को पिक करना। बाकी दोस्तों इसके अलावा कुछ खास ऐसा ऑप्शन तो इधर है नहीं जिसको ट्राई कर सकते हो। बात करें बॉलिंग से तो बॉलिंग से दोस्तों यहां पर कही जाए तो आपको दोस्तों पिक करके चलना, दोस्तों काफी सारे ऑप्शन है फिलहाल दोस्तों यहां पर कही जाए तो हम पिक करके चलेंगे। यहां पर दोस्तों जो है ऑस्पिन को पिक करेंगे और फिर दोस्तों यहां पर कही जाए तो आपको दोस्तों पिक करके चलना यहां पर जो है ए रहमान को जिसका सिलेक्शन 53% है। अब देखिए ये दो प्लेयर्स हमने ले लिया, इसके अलावा दोस्तों यहां पर कुछ प्लेयर्स और है जिनको चाहो तो टीम में ले सकते हो, फिलहाल दोस्तों यहां पर कही जाए तो मैं दोस्तों पिक करके चलूंगा सिंपली जो है एक प्लेयर कहां गया यार जिसको मैं जो है ढूंढ रहा हूं, यहां पर जो है शुक्ला को लेकर चलूंगा। ठीक है ये तीन प्लेयर के साथ चलूंगा जिसमें शुक्ला मेरा पंटपी के बॉलिंग का तो देख सकता है दो ओवर प्लस ये भी कंफर्म दो ओवर करेगा और भी डेथ में आएगा। अब देखिए भाई अगर आपको एस खान को लेना है, अगर लगता है कि एसओएस की जो टीम है वो विन करेगी तो आप इनको टीम में लेके चलेगा। मेरे अकॉर्डिंग जेड एस की जो टीम है दोस्तों काफी स्ट्रॉन्ग है, दूसरी अकॉर्डिंग टीम क्रिएट किया है तो ये तीन प्लेयर लिया। बाकी एमराना हो गए, जूविक हो गया और बाकी दोस्तों ये हो गया, सब हमारे गेम चेंजर ऑप्शन से कॉम्बिनेशन पे फोकस करते हैं। कॉम्बिनेशन की बात करें 7-4 का यूज किया कॉम्बिनेशन, यानी दोस्तों कही जाए तो यहां पर ZS की टीम को हमने फेवर किया। बात करें कैप्टन की तो कैप्टन एसिंग है, वाइस की बात करें तो चौबे को वाइस कैप्टन दिया। बात करें दोस्तों यहां पर टीम ब्रू की तो कुछ इस प्रकार से आपको टीम ब्रू देखने मिल जाता है दोस्तों के, तो यहां पर हमने जो है कैप्टन सेफ रखा, वाइस भी सेफ रखा। रीजन क्या दोस्तों, यही दोनों टॉप ऑर्डर के बैटर हैं और यही दोनों कंफर्म ओवर की बॉलिंग करेंगे, डेट्स यहां पर दोस्तों ये प्लेयर्स को दे रखा। हालांकि बात करें ग्रैंड लीग के बेस्ट ऑप्शन चॉइस की, देखो भाई ग्रैंड लीग की टीम के लिए सारे प्लेयर हम डिस्कस कर चुके, कौन पंपी करेगा कौन नहीं पंपी को सब कुछ डिस्कस किए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ग्रैंड लीग का बेस्ट कैप्टन देना आपके लिए, तो पहला ऑप्शन दोस्तों अधिकारी, चौबे, महेश्वरी, ए सिंह, फिर दोस्तों जी सिंह और ऑस्मोन और बाकी दोस्तों हॉकटन, ये सब प्लेयर्स रहेंगे जो आज की इस गेम में कही जाए तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन निकल के आएंगे जिनको ग्रैंड लीग टीम्स पे कैप्टन कैप्टन लेके जा सकते हो, ये चीज आप क्लियर कर रखना भाई। ठीक है ये हमारे बेस्ट ऑप्शंस रहेंगे। बाकी देखिए भाई सबके बारे में आपको डिटेल दिया, जो भी इंपॉर्ट लगे आप ट्राई करना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया दोस्तों जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, फाइनल टीम आपको ही मिलेगा। चलिए इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।